हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर एक, तो प्रश्न नंबर एक, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल घोष। क्वेश्चन नंबर दो, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी भाषा से। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, दसवें गुरु का? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर चार, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, 1912 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पाँच का ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 8, क्रांतिकारी नेता सूरसेन का उपनाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, मास्टर द। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है? तो ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से हल्दिया तक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो ऑप्शन नंबर सी, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी, कपास खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 14, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेहरू ने कहा। क्वेश्चन नंबर 15, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्वी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए, 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।
क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? तो ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 20 का ऑप्शन नंबर डी भारत में संसदीय व्यवस्था प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, तो 22 का ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी सागर तट से दूर। क्वेश्चन नंबर 25, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 26, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी डेबिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 29, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 30, रूस की मुद्रा क्या है? तो 30 का ऑप्शन नंबर सी रूबल।